एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 10वां पार्ट जो कि है नर्स। आज हम इस पार्ट के सार के बारे में चर्चा करेंगे, पर सार समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट को किसने लिखा है। इस पार्ट को कला प्रकाश जी ने लिखा है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताती हूं। ये कहानी एक नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हितों में प्रस्तुत करती है। इसमें बाल मनोविज्ञान की तरफ भी संकेत किया गया है। महेश 6 साल का छोटा बच्चा था, उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में मरीज से मिलने का समय 6 बजे तक का था, लेकिन महेश की माँ सरस्वती समय पूरा हो जाने पर भी महेश की जिद के कारण वहां रुकी हुई थी। वह जाकर भी जा नहीं पा रही थी। महेश अपनी माँ को अपने पास रोकना चाहता था। सरस्वती वार्ड में इधर उधर देखने लगी। सभी बच्चे महेश को ताक रहे थे। सरस्वती को याद आया कि कुछ देर पहले 9 नंबर बेड वाले ने उसे बताया था कि ऑपरेशन के बाद महेश मां मां करके रो रहा था। तब सरस्वती उस 9 नंबर बेड वाले बालक को महेश पास छोड़कर जल्दी से अस्पताल के गेट के पास आ गई। उसकी आंखों से आंसू छल छल आ रहे थे। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझा रहा था, किंतु महेश कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह तो बस माँ की रट लगाए हुए था। कुछ देर बाद वह बच्चा वापस अपने बेड पर चला गया। थोड़ी देर बाद चारों ओर खामोशी छा गई। इस खामोशी में भी महेश की मम्मी मम्मी की हिचकी गूंज रही थी। 7 बजे मरीडा और माजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। वे दोनों आपस में बातें कर रही थी, मरीजों को दवाई खिला रही थी, उनका बिस्तर ठीक कर रही थी। 4 नंबर बेड पर पहुंचकर मरीडा बच्चे से बोली कि उसका बिस्तर खिड़की के पास है और उसे बाहर का दृश्य देखना चाहिए, ना कि चादर में मुंह छिपाकर रोना चाहिए। मरीडा में बच्चों के प्रति अत्यंत लगाव और प्यार था। वह मांजरेकर से बच्चों के पास समय बिताने और बातें करने को कहती है, लेकिन मांजरेकर ये कहकर टाल देती है कि सांस लेने तक की फुर्सत तो है नहीं, बातें कब करेंगे। अब होता क्या है कि दोनों नर्स के जाने के बाद फिर से वार्ड में खामोशी समा गई। सभी के बेड एक जैसे थे, उनकी चादर तथा कंबल भी एक ही रंग के थे। बेड के साइड में एक कबर्ड भी था, उसे साइड टेबल की तरह काम में लिया जाता था। 8 बजे नर्स सुनसान वार्ड में आई। उसे देखकर सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 9 नंबर बेड का बच्चा तो उसके स्वागत में उठकर बैठ ही गया। वह बच्चों को दवाई पिलाने लगी, उनका बुखार चेक करने लगी। अंत में वह महेश के पास पहुंची, उससे प्यार से बातें करने लगी। उसने उसको बताया कि उसका भी एक बेटा है जिसका नाम महेश है, किंतु वह अभी छोटा है, केवल 3 महीने का है। वह उसे बहुत परेशान करता है। अब पहले जो 2 नर्स आई थी वो तो ये थी, अब जो तीसरी नर्स आई थी उसका नाम था सुसान। तो जो सुसान है महेश को बातें बताती हुई सूप और दवाई पिला रही थी। अपने ममतव से उसने महेश को चुप करा दिया, उसे दवाई भी पिला दी। महेश से रहा न गया और वह सुसान के बेटे के बारे में और जानने को उत्सुक होने लगा। उसने पूछा वह और क्या करता है। सुसान ने कहा कि वह अभी बोल नहीं सकता, लेकिन अग अगु गु आदि स्वर निकालता रहता है। सुसान बबलू के समान मुंह फुलाकर आवाजें निकालकर महेश को दिखाने लगी। महेश हंस पड़ा। सुसान ने महेश को कहा कि अब उसे जाना है, जब जरूरत हो वे उसे बुला सकता है। दूसरे दिन जब सरस्वती महेश से मिलने अस्पताल आई तो वह बहुत विचलित थी कि उसका बेटा कैसा होगा। मम्मी को देखते ही महेश ने उसे गले से लगा लिया।
उसने माँ से अपनी बहन मोना के बारे में पूछा, क्या वे उसके आने पर रो रही थी? माँ ने उसे बताया, नहीं, वे मोना को राजू के पास छोड़कर आई है। तब महेश ने माँ को बताया कि सिस्टर सुसान का बेटा उसके आने पर बहुत रोता है, वे बहुत शैतान है। माँ के दिल पर सुसान का नाम छप गया। उसने महेश को बड़ा प्यार और दुलार जो दिया था। बाद में जब माँ को सुसान से पता लगा कि वह तो अभी अविवाहित थी और उसने महेश को सहज बनाने के लिए झूठी अपने विवाह की बात कही थी, तो माँ उसके स्वभाव और बाल मनोविज्ञान की समझ पर मुग्ध हो उठी थी। तो ये था आज का पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इसकी समरी समझ आ गई होगी। आपको कौन सी नर्स सबसे अच्छी लगी उसका कमेंट जो है मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।